अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन जर्नी। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मर्मेड गाउन, जो कि मेरे चैनल पे और एक वीडियो है जो कि मेरे व्यूवर्स ने बहुत ही पसंद किया है। और बहुत मुझे रिक्वेस्ट आती है कि मर्मेड टॉप, जो कि एडल्ट साइज बताया जा रहा था, लेकिन मैं ये अपनी बेटी के लिए ईद के लिए बना रही थी, तो मैं इसे आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो गाउन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 5 पैनल मर्मेड गाउन है, जिसमें फ्रंट का जो होता है 3 पैनल्स होते होंगे और बैक का जो होगा 2 पैनल्स। तो बैक जो होगा ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हम लेंगे, जो कि 3 इंचेस ज़्यादा फ्रंट से, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है बॉटम, वो बैक होगा। तो ये फ्रंट 3 पैनल्स है और बैक में होंगे 2 पैनल्स और बॉटम पे होगा ट्रायंगुलर पैनल, जो कि हम इंसर्ट करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेजरमेंट्स हम यहाँ पे किस तरह से लेंगे। तो आपने मेजरमेंट्स इस तरह से लेना है, टेप को फिटेड मेजरमेंट लेना है वेस्ट का और हिप का। तो वेस्ट का फिटेड मेजरमेंट 20 इंच आ रहा है, तो 3 इंच लूजिंग रखना है आपको बच्चों के लिए, और एडल्ट के 3 या 4 इंच आप रख सकते हैं। और हिप का फिटेड मेजरमेंट 24 इंच, और मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ले रही हूँ, जो कि टोटल 26 इंच। आप 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं एडल्ट्स के लिए। अब यहाँ पे फ्रंट के लिए 3 पैनल्स है और बैक के लिए 2 पैनल्स है, लेकिन आपको जो फिटेड वेस्ट है लूजिंग जो मिलाया हुआ है उसको डिवाइड बाई 2 करना है, जिसका आपका फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट सेपरेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाई 2 पहले करेंगे, जो कि हमको फ्रंट वेस्ट सेपरेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रंट और ब्रैकेट में बैक लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों मेजरमेंट सही होंगे, सेम होंगे, सॉरी। 23 / 2 होंगे 11.5 इंच और हिप का मेजरमेंट होगा 13 इंच। नेक्स्ट करेंगे फ्रंट 3 पैनल्स। तो फ्रंट 3 पैनल्स मतलब वेस्ट को डिवाइडेड बाई 3 करना है और हिप को भी डिवाइडेड बाई 3 करना है, जो कि ऊपर वाला मेजरमेंट 11.5 / 3 और 13 / 3 हिप के लिए। तो गाइज ये पूरा हम फ्रंट के लिए करेंगे। नेक्स्ट होगा फॉर सिंगल पैनल। अब फ्रंट का सिंगल पैनल कट करने के लिए हम हमेशा फोल्ड पे लेते हैं। जब फोल्ड पे लेते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, जैसे कि हम कमीज कटिंग करते हैं फोल्ड जब करते हैं, तो जो हमारे पूरे जो ब्रेथ का जो मेजरमेंट्स होता है डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट और हिप दोनों डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को वेस्ट आएगा 1.9 और हिप आएगा 2.15 इंच। गाइस नेक्स्ट हम बैक का मेजरमेंट यहाँ पे निकालेंगे। गलती से मैंने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया है, वो आप काटूंगे, और जो मैंने आप रब किया है वो भी गलती से रब किया हुआ है। गाइस आप लोग ये मिस्टेक को न दोहराए, मैंने यहाँ पे गलती से किया हुआ है, मुझे लगा कि मैं ये कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है गाइस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक लिखना है, क्योंकि बैक के 2 पैनल्स होंगे, तो बैक वेस्ट जो होगा 11.5 इंच, इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और हिप का जो ब्रेथ होगा 13 इंच, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 पैनल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। 11.5 / 2 जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट फैब्रिक डिटेल्स मैं दूंगी। मर्मेड गाउन बनाने के लिए आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक इस्तेमाल करना है, जो कि थिक होगा, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है, तो थोड़ा बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेचेबल फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस पर सिल्वरी डॉट्स है और ये बहुत थिक फैब्रिक है, मर्मेड के लिए परफेक्ट है। तो इसको हम इस तरह से फोल्डिंग देंगे, और सबसे पहले एक पैनल मैं क्रिएट करूँगी, जो कि फ्रंट पैनल होगा, जिसका हाइट मैं ले रही हूँ 30 इंच। तो यहाँ पर 30 इंच मतलब बॉडी हाइट आपको सेपरेट करना है। टोटल हाइट हमारा जो होगा 40 इंच होगा, तो बॉडी का 10 इंच मैं सेपरेट करूंगी, तो 30 इंच हाइट इधर आएगा। तो सीम अलाउंस भी आपको ऐड करना है, जैसे कि 2 इंचेस। तो जैसे फैब्रिक है मैं इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेच है तो ये वेट से और लंबाई में बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने 30 इंच हाइट रखा हुआ है, और यहाँ पे फोल्ड पे आपको 1.9 इंच मार्क करना है, और यहाँ पर 6.5 इंच नीचे जो हिप होता है बच्चों का, जहाँ पे 2 इंच ब्रेथ मार्क करेंगे हिप पे, तो इसको हम स्ट्रेट जॉइंट करेंगे। गाइस नेक्स्ट होगा हिप मेजरमेंट, जो कि हम यहाँ से 9 इंच नीचे लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच जो कि मैंने पहले कंसिडर किया था वो मार्किंग कर दिया है
तो जब हम शूटिंग निकालते हैं तो बिना सोचे कुछ भी कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच नीचे पहले वाला मेजरमेंट किया हुआ है, तो मैं इसको करेक्शन भी कर रही हूँ और आपको करेक्शन करने के बाद बताऊँगी भी कि मैंने 9 इंच, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 9 इंच नीचे रखा हुआ है और वहाँ से तो ये 7 इंच और यहाँ पे 9 इंच नीचे, और यहाँ से आप हाइट इस तरह से रहेंगे, कितना हाइट चेक करेंगे और इस तरह से आप टेप को ड्रैग करके इसको साइड मार्किंग देंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच थोड़ा अंदर की तरफ आपको दबा देना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है और मार्क करके काट देना है। काटते हुए आपको ध्यान रखें कि 1/2 इंच सीम अलाउंस ज़रूर रखें साइड्स में। और इसी तरह और 2 पैनल्स आपको कट करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 पैनल कट किया है और 1 पैनल आप काट देंगे। अब मैं आपको फ्रंट वाला बताऊंगी। फ्रंट के लिए मैं 33 इंचेस ले रही हूँ, मैंने आपको कहा कि 3 इंचेस ज़्यादा लेना है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब बैक सेंटर पे 1/2 इंच सीम अलाउंस रखे सेंटर जॉइंट के लिए, बैक सेंटर जॉइंट के लिए। और वेस्ट का जो मेजरमेंट है यहाँ पे 5.7 to 5.9 इंच रख सकते हैं आप, और 6.5 इंच नीचे हिप का हाइट मार्क करेंगे और 9 इंच नीचे जहाँ तक हमारी फिटिंग आएगी। नेक्स्ट हिप का ब्रॉडनेस है 6.5 इंच, वो सेम मेजरमेंट यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 6.5 इंच, और यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और कर्फ करेंगे। तो यहाँ से आप हाइट मार्क करें और इसी तरह टेप को साइड तक ड्रैग करें और कर्व बनाएं। गाइस ये सेम इसी तरह करना है जैसे कि फ्रंट के लिए हम लोगों ने किया था, लेकिन फ्रंट के लिए कर्व लेने के लिए सिर्फ 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है, बैक के लिए 1 इंच लेना है। यहाँ पे साइड सीम्स है इसलिए 1 इंच हम सीम अलाउंस रखेंगे। अब इस तरफ से 4 इंच मार्क करेंगे जो कि ट्राइंगुलर पैनल के लिए है ये, और इसको जॉइंट करके इसको काट देंगे और सेंटर जो जॉइंट है उसको भी काट देंगे। अब ट्रायंगल पैनल कट करने के लिए फैब्रिक का कॉर्नर लेंगे और इस पैनल को जो हम लोगों ने बैक साइड में कट किया था इसको इस पर रख के हाइट इसकी काट देंगे। इस तरह से मार्किंग देके इसको राउंड शेप में काटेंगे। नेक्स्ट बॉडीज कट करने के लिए ड्राफ्टिंग लूंगी पेपर ड्राफ्टिंग से, पहले फ्रंट बॉडी को कट करेंगे उसके बाद बैक बॉडीज के लिए सेंटर पे सीम अलाउंस रख के हम काटेंगे। सीम अलाउंस जिपर के लिए होगा, उसके बाद लाइनिंग भी इसी तरह से काटेंगे दोनों फ्रंट और बैक के लिए। गाइस नेक्स्ट नेक लाइन के मेजरमेंट्स 2.5 इंच ब्रेथ लूँगी और 2 इंच हाइट, ये बैक साइड के लिए होगा, और फ्रंट के लिए भी 2.5 इंच ब्रेथ और हाइट 4 इंच रख रही हूँ। गाइस लाइनिंग कटिंग करने के बाद स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो स्लीव्स यहाँ पे लेंथ होगा 14 इंच, बेल का होगा 7 इंच और हाइट में 8 इंच सीम अलाउंस के साथ 9 इंच। तो स्लीव्स की ब्रेथ मार्क करने के लिए आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा और यहाँ से 3 इंच डाउनवर्ड्स और इस तरह से कर्व लेंगे, और बॉटम पे 4 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस और इसको दोनों को जॉइंट करके इसको काटेंगे। नेक्स्ट बेल स्लीव्स कट करने के लिए आपको जितना भी बेल आ जाए आपके फैब्रिक में से आप उसे काट दें। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फैब्रिक जॉइंट करके स्लीव्स का बॉटम की ब्रेथ ऐसे मार्क करूँगी और यहाँ से 7 to 8 इंच जितना भी मिल रहा है इस तरह से मार्किंग दूंगी। तो इस तरह से आपको बेल मिल जाएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है बेल स्लीव्स बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टिचिंग का बताऊंगी। गाइस इस तरह से लाइनिंग को दोनों राइट साइड्स मिला के रखेंगे और स्टिच करेंगे सिर्फ नेकलाइन पर, बैक साइड भी नेकलाइन पर ही स्टिच करेंगे और फ्रंट भी सिर्फ नेकलाइन पे। नेक्स्ट इसको फ्रंट पे टर्न करेंगे, अब शोल्डर की जॉइनिंग होगी। शोल्डर जॉइन करने के लिए राइट साइड इस तरह साथ रखेंगे और बैक साइड का जो लाइनिंग पीस होगा इसको फ्रंट पे इस तरह से टर्न करके शोल्डर पे 1/2 इंच के नीचे स्टिच लगाएंगे। गाइस इसकी कटिंग मैंने ईद से 1 दिन पहले इसकी कटिंग की थी, तो आपको शेयर करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जैसे बहुत ही रिक्वेस्ट आती है मरमेड गाउन के लिए तो मैंने कोशिश करके इसको शेयर किया है। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है या नहीं। गाइस ये यहाँ तक हुआ है, आप नेकलाइन पे स्टिच लगा के फिर स्लीव्स को जॉइंट कर ले। नेक्स्ट होगा फ्रंट पैनल्स। तो इस तरह 3 पैनल्स है, ये 3 पैनल्स हम लोग जॉइंट कर लेंगे। गाइस ये जॉइन हो चुका है, नेक्स्ट हम बैक पैनल को जॉइंट करेंगे। तो बैक पैनल जॉइंट करने के लिए ऊपर अगर आप जिपर बॉडी थोड़ा नीचे तक लेंगे तो यहाँ पे ओपन रखेंगे और ये
कॉर्नर तक ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रायंगुलर पैनल आएगा। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, लेकिन गाइस ट्रायंगुलर पैनल अटैच करने के लिए यहाँ पे भी सीम्स चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे काट दिया है अर्जेंट में, बिना देखे इसको काट दिया है गाइस। तो यहाँ पे यहाँ से फिर मैं इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी ताकि नीचे हम लोगों को सीम्स मिल जाए, तक स्टिच लगाऊंगी ताकि नीचे मुझे सीम अलावेंस मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है, आप देखिए आपको इस तरह से सीम अलावेंस नीचे भी मिल जाएगा, जो हमें ट्रायंगुलर पैनल जॉइंट करने में आसानी होगी। अगर सीम अलावेंस न मिले तो भी आप जॉइंट कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका होगा। अब यहाँ पे सेंटर पे हाफ इंच के नीचे मैंने एक डॉट लगा दिया है, उस डॉट को जहाँ पे जॉइन है वहाँ पर रख देंगे उस डॉट को, और वहाँ से स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है ये। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पिन लगा दिया है, फिर पहले एक साइड से उस डॉट से एक साइड पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके करना पड़ेगा नीट आने के लिए। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगर पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ। अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने कॉन्टैक्ट्स को मेरा वीडियो शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो ये इस तरह से बराबर से आप जॉइंट कर लें नीचे तक गाइस। और मेरा और एक वीडियो है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 उसके व्यूज़ हुए हैं, और मेरे व्यूवर्स इसको बहुत पसंद करते हैं, और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है मरमेड गाउन का वीडियो अपलोड करने के लिए, जो कि एडल्ट साइज़ में रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने ये अपनी बेटी के लिए बनाया था तो इसे मैं शेयर कर रही हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप ज़रूर इसको क्लिक करें और वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें वो 3 पैनल वाला मरमेड टॉप था, तो आप वो देखिए बच्चों के लिए, किड्स के लिए और एडल्ट के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करके आप मरमेड ड्रेस बना सकते हैं। तो दूसरी साइड भी स्टिच कर ले। दूसरी साइड स्टिच करने के लिए जहाँ पे स्टिचिंग हमारी स्टार्ट हुई थी दूसरी तरफ, तो वहाँ से ही आपको नेक्स्ट साइड स्टिच करना होगा। तो ये ट्रायंगुलर पैनल जॉइंट करते हुए आप ध्यान से करें ताकि ये बराबर से जॉइन होकर आ जाए। तो गाइस नेक्स्ट होगा स्टेप बॉडी को स्कर्ट से जॉइन करना। मैं इस तरह से जॉइन करूँगी कि लाइनिंग को सेपरेट रखूँगी, क्योंकि मैंने बॉटम पे लाइनिंग नहीं रखा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी मेरे पास अवेलेबल था फैब्रिक मैं उसका इस्तेमाल किया है गाइस। तो बॉडीज़ को जॉइंट किया है मैंने, और साइड्स और स्लीव्स के बॉटम पे भी हेम कर दिया है, और इस तरह ये वाली झालर वाली लेस या फिर लटकन वाली लेस मैंने लगा दिया है, और बॉटम पे आप देख सकते हो बैक साइड 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा है, जो कि मरमेड टॉप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे साइड पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसको हम शेप दे के काट देंगे। तो मैं ये काट के इसको हेम करूँगी। इस लेस का छोटा सा पीस बच गया है, तो इसके मैं लटकन्स को सेपरेट करूँगी, जिसे मैं स्लीव्स पे इसका डेकोर कर सकती हूँ। तो गाइस इस तरह इसको सेपरेट करें और सेंटर पे इसको काट दें। तो ये टोटल 8 पीसेस बन गए हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 26,000, जो कि वाटरप्रूफ है। इससे अगर आप वॉश करेंगे तो भी ये नहीं निकलेगा, अगर आप इसका इस फैब्रिक का फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो। और थोड़ा सा मैं फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है गाइस। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हों, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा नेक्स्ट नया वीडियो अपलोड करो इंशाल्लाह। आप मेरे टच में रहे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप इसको चेक करें। तो राइट साइड में मरमेड गाउन के और एक वीडियो है ऊपर राइट साइड में, आप इसको क्लिक करके ज़रूर चेक करें।
सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।